वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 15 दिसंबर 2021 को लखीमपुर हिंसा पर गठित SIT की रिपोर्ट आई है, जो ये बताती है कि तिनसुकिया में हुई वो घटना हादसा या गैर इरादतन की गई हत्या नहीं, बल्कि हथियारों से लैस और एक राय होकर गंभीर साजिश के साथ किए गए हत्या के प्रयास का नतीजा था। इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी का बेटा है। उसी दिन खुद टेनी मीडिया वालों को अपशब्द कहते और धमकाते नजर आए, क्योंकि मीडिया ने बेटे पर चुभता हुआ एक सवाल पूछ लिया था। बावजूद इसके मोदी सरकार कहती है कि वो अपने विवादित मंत्री को नहीं हटाएगी। सवाल उठता है, आखिर क्यों? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। पत्रकार को मारने के लिए झपटे इन जनाब की हरकतों पर मत जाइए। ये ना तो कोई गली के गुंडे हैं और ना ही सड़क छाप नेता। ये साहब केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं और नाम है अजय मिश्रा। लखीमपुर खीरी क्षेत्र में लोग इन्हें बड़े अदब से टेनी महाराज कहकर बुलाते हैं, मगर महाराज को भरी महफिल में ऐसा गुस्सा आया कि पद की गरिमा और लोक लिहाज को ताक पर रख कर चल पड़े हिसाब बराबर करने। वैसे करते भी क्या, उस पत्रकार ने दुखती रग पर हाथ जो रख दिया था। ये बात उसी दिन की है जब लखीमपुर खीरी मामले में कोर्ट ने SIT के जांच अधिकारी की मांग पर आशीष मिश्रा के खिलाफ और कड़ी धाराएं लगा दी और संसद में पूरा विपक्ष PM मोदी से अजय मिश्रा को हटाने की मांग करने लगा। अब ऐसे में भला किसी मीडिया कर्मी की क्या औकात जो मंत्री जी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दे। SIT रिपोर्ट के बाद पहले ही फ्रंट फुट पर आ चुके विपक्ष ने इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अपने हमले में और धार दे दी। इधर संसद के भीतर राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता BJP सरकार को टेनी को हटाने के लिए घेरते नजर आए, तो उधर सड़क के बाहर यूथ कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में विधानसभा के भीतर भी सपा और कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, मगर BJP ने साफ कह दिया कि ना भाई ना, अपने मंत्री को हम तो नहीं हटाएंगे। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भाजपा इस मुद्दे पर नया जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। जानकारों का मानना है कि टेनी को बाहर कर भाजपा ब्राह्मणों की नाराजगी का जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि टेनी को दिल्ली तलब तो किया गया, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका एकमात्र कारण अजय मिश्रा टेनी का ब्राह्मण होना है, जिस प्रमुख वजह से 5 महीने पहले अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, अब उसी वजह से उन्हें मंत्री पद से हटाने में कठिनाई पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। यूपी के चुनावों में पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाएं तो साल 2014 में यूपी में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा अकेले BJP को मिला था। साल 2019 में ये बढ़कर 82% तक पहुंच गया। क्या केंद्र की मोदी सरकार ब्राह्मण होने की वजह से अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटा पा रही है? कांग्रेस और सपा भाजपा पर आरोप लगा रही हैं कि चुनाव की वजह से टेनी पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश के साल 2014 के नतीजे में 77 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोट रहा। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली 77 सीटों में 36 सीटें BJP ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं,
इस हिसाब से अगर इन्हें 403 विधानसभा सीटों में बांट दें तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोटर प्रति सीट पर पड़ता है। ऐसे में जिन्हें ब्राह्मण वोट के लिए मंत्री बनाया गया उन अजय मिश्रा पर कार्रवाई होती दिखेगी तो संभव है कि ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का असर 77 सीटों पर पड़ सकता है। टेनी पर कार्रवाई न करने को लेकर बीजेपी का डर तो समझ में आता है, मगर साथ ही सवाल ये उठता है कि कहीं कार्रवाई ना करने से बीजेपी का वो पढ़ा लिखा वोटर नाराज ना हो जाए। तो मोदी और योगी की जोड़ी को न्यायप्रियता का प्रतीक मानता आ रहा है और कहीं ऐसा हो गया तो बीजेपी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।